स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। उह सारे स्टूडेंट जिहड़े यूके जाना चाहुंदे ने बट उन्होंने किते ना किते लगता कि खर्चा यूके का वधदा, वह अज दे साडे शो नूं जरूर देखन क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे तरीके ने जिहदे नाल यूके का खर्चा घट किया जा सकता। सो की ने वो टिप्स एंड ट्रिक्स, की ने वो खास इनफॉर्मेशन जिहदे नाल यूके का खर्चा घटदा, अज समझांगे अपने एक्सपर्ट ब्रॉडवे इमीग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी तो। स्वागत है जी। थैंक यू जी। सो जगप्रीत जी, की लीगली हुंदियां सारियां चीज़ां जिहदे नाल खर्चा घटाया जा सकता? देखो दीपक जी, जदों भी आपां स्टूडेंट वीज़ा बारे गल करते हैं तो हर एक स्टूडेंट का पहला, उहदे पेरेंट्स का पहला सवाल यही होंदा है कि इहदे विच किन्ना खर्चा लगेगा। खास तौर पर यूके की जदों गल करिए तो फीस स्ट्रक्चर नूं लैके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ नूं लैके वरीड है। अनडाउटडली यूके दीआं बहुत सारीआं यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हां दे विच फीस स्ट्रक्चर आपां 15,000, 16,000, 18,000 पाउंड तक भी देखते हैं। सो यूके घट खर्चे च किवें पहुंचया जा सकता है और वह भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ना जिवें तुसीं अज पुछिया ये गलबात दे विच। सो यूके दे विच इक्को एक इहदा जरिया, इक्को एक तरीका है कि यूके जदों आपां स्टूडेंट ने कंसीडर है कि उन्हें जाना ही यूके और डिसाइडेड है तो उहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी दे विच जदों तुसीं अप्लाई करना है तो वैल इन एडवांस करो। फॉर एग्जाम्पल सपटैंबर की अज असीं गल करिए, जन फैबररी मंथ अपना स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट सपटैंबर इनटेक लिए प्रोसीड करते हैं तो पुछते हैं भी इन्ना एडवांस आपां क्यों करना है। सो यूके की है कि यूनिवर्सिटीज रिक्रूट कर दी ने, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना करिकुलम है, उन्होंने की फंडिंग्स ने की नहीं ने इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। सो उत्थे फीस की वेरिएशन है, हो सकता है एक प्रोग्राम, मान लो एक BA बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है एक यूनिवर्सिटी जो दी फीस 10,500 पाउंड है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो दी फीस 15,000 पाउंड है। सो डेफिनेटली जिहड़ियां घट फीस वाली यूनिवर्सिटीज ने सब तो पहला एजेंट्स की स्टूडेंट्स की यही एक कन्फर्मेशन होंदी है, उन्हों का यही एक अप्रोच है कि वो जल्द तो जल्द घट फीस वाली यूनिवर्सिटी ऑक्यूपाई किया जाए। सो वैल इन एडवांस करते हो तो घट फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ के अपन एडमिशन प्रोसीड कर सकते हो। सैकेंड, हूँ तुम फीस घट वाली नहीं मिली, दूसरी मिलती है तो इतने यूनिवर्सिटीज़ जोड़े ने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। सो 2,000 to 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप जी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर दी ने, बट बिल्कुल जो आप इनटेक के नज़दीक जाके, मान लो सपटेंबर है तो असी जाके अगस्त के स्टार्ट शुरू करने की कोशिश करते हैं, सपटेंबर लास्ट दीयां क्लासां ने तो फिर उत्थे स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत घट है, वैल इन एडवांस करते हैं तो स्कॉलरशिप्स एडिशनल मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता जी अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स, उत्थे यूनिवर्सिटीज़ दिंदियां ने कि जे कोई स्टूडेंट फैबररी च स्टार्ट कर रहा है, जनवरी च कर रहा है, मार्च च भी कर रहा है तो अपनी फुल फीस ट्रांसफर कर रहा है तो एडिशनल 1,000-1,500 पाउंड की स्कॉलरशिप है। सो कुल मिला के कई बार मैं दीपक जी देखिया कि जिहड़े स्टूडेंट वैल इन एडवांस करते हैं वो 3,000 पाउंड तक दियां भी एडिशनल स्कॉलरशिप, 4,000 पाउंड तक भी स्कॉलरशिप जिहड़ियां ने टोटल लै जांदे ने। सो जिहड़ा कि 3 to 4 lakh दा उहनां नूं बचत हुंदी है, वो अपने अदर एक्सपेंसिस दे विच यूज कर सकते हैं। सो किते ना किते यूके दा खर्चा बहुत हद तक घटाया जा सकता है लीगल तरीके नाल, ते कुछ चीज़ें इस गल ते भी डिपेंड करदियां कि तुसी कित्थे जा रहे हो, केड़ी यूनिवर्सिटी दे विच जा रहे हो, ते उहदे ते डिपेंड करदा है कि जिहड़ा खर्चा घटाया जा सकदा उहदा स्कोप किन्ना कै। सो बेस्ट है कि तुसी अपना प्रोफाइल डिस्कस करो, उहदे हिसाब नाल जिहड़ी इनफॉर्मेशन है तुहानू पर्टिकुलर दित्ती जा सकदी है कि थोड़े प्रोफाइल दे हिसाब नाल केड़ी यूनिवर्सिटी ठीक है, केड़ा इनटेक ठीक है, ते किन्ना खर्चा घटाया जा सकदा, उहदे वास्ते तुसी थल्ले दित्ते नंबर ते कॉल कर सकदे हो। धन्यवाद। थैंक यू जी। स्टडी वीज़ा के मुद्दे पर मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब।